Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing kinematics part 5. Abhi tak humne ye sare ke sare subtopics cover kar liye hain aur maine har subtopic ke sath uski corresponding video bhi mention ki hui hai. To agar aapse koi subtopic miss ho gaya ya aapse koi subtopic nahi ho raha, aap uski corresponding video jaake dekh sakte hain. In this video we're going to be doing speed slash velocity time graph. Lekin before watching this video I have a condition, and that condition is to watch my previous two videos jisme main aapko graphs ke basics batata hu aur main aapko displacement time graph ka batata hu. Agar aap ye do videos dekh lenge this video will be extremely easy for you. Lekin agar aapne ye dono videos nahi dekhi hui, especially my graphs video, aapko ye video bilkul bhi samajh nahi aane wali. तो अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है तो या लेट्स गेट इनटू इट. अगर आपने नहीं देखी गो वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ताकि आपको ये वीडियो सही तरीके से समझ आ सके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्पीड स्लैश वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अभी तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि जो ग्रेडियंट होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट अ ग्राफ. तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो हमें क्या देता है. The gradient of velocity या speed time graph gives us acceleration, और वो मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ वेरी क्विकली. फर्स्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है. एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. अब आप मुझे बताएं ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है. ग्रेडियंट is equals to y2 minus y1 yani ke change in y divided by x2 minus x1 which is the change in x. ab aap mujhe bataye y axis pe kaun si quantity hai aur x axis pe kaun si quantity hai. y axis pe hamare paas velocity hai, x axis pe hamare paas time hai. to hum kya karte hain, अब हम y की जगह y की क्वांटिटी रख देते हैं और x की जगह x की क्वांटिटी रख देते हैं. तो अब हमारे पास ग्रेडियंट का नया फॉर्मूला आ जाता है. ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. वंस अगेन हमने रिप्लेस इसलिए किया है कि y पे जो क्वांटिटी आ रही थी दैट वाज वेलोसिटी और x पे जो क्वांटिटी आ रही थी दैट वाज टाइम. तो हमने क्वांटिटीज को रिप्लेस कर दिया है. y की जगह हमने वेलोसिटी लिख ली है और x की जगह हमने टाइम लिख लिया है. अब आप मुझे बताएं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैच कर रहे हैं ना. हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम फॉर द ग्रेडियंट और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम फॉर एक्सेलरेशन. तो दोनों फॉर्मूलाज जब सेम होंगे तो क्वांटिटीज भी सेम होनी चाहिए. सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एज सिंपल एज दैट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नहीं पढ़ी हुई, एंड दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ. Area under the graph of a velocity या speed time graph will give us the distance. जैसे आप यहां देख सकते हैं हमारे पास एक velocity time graph है जिसका एक constant gradient है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी journey का हम distance कैसे निकाल सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा. इस पूरी journey का हम distance कैसे निकाल सकते हैं, आपका जवाब होना चाहिए according to the properties of a speed या velocity time graph. The area under the graph of a velocity या speed time graph will give us the distance. तो अगर हम ये वाला area निकाल लें तो हमारे पास distance आ जाना चाहिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये वाला distance कैसे निकालेंगे. Simply by getting the area under the graph, of course. और वो area हम निकालेंगे by using a triangle formula. ये कोई भी shape हो सकती है, triangle हो सकता है, square हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है. उसके लिए हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लगेंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो अगर आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकाला है तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा. सो यार लेट्स मूव ऑन टू द सिनेरियोस.
और सिनेरियोज में मैं आपको फर्दर सॉलिडिफाई कर दूंगा ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, द ग्रेडियंट एंड द एरिया अंडर द ग्राफ. सिनेरियो नंबर वन, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एके ग्रेडियंट इज 0, तब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब हमारा ग्रेडियंट, व्हेन इट इज 0, द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, सिंपली अ स्ट्रेट फ्लैट लाइन. एंड लाइकवाइज फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब इसका ग्रेडियंट 0 होगा यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगी, देन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है. हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ जीरो ग्रेडियंट ग्राफ, और जीरो ग्रेडियंट ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यहां मैं इसके विजुअल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करता रहूंगा और वो मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा. फर्स्टली, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट फ्लैट लाइन, जैसे आप यहां देख सकते हैं, फॉर बोथ द ग्राफ, स्ट्रेट फ्लैट लाइन. सेकेंडली, इट हैज टू मेक अ 90 डिग्रीज एंगल विद द वाई एक्सिस, जस्ट लाइक दिस. यहां आप देख सकते हैं, इट इज मेकिंग 90 डिग्रीज टू द वाई एक्सिस, 90 टू वाई एक्सिस. थर्डली इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, यहां आप देख सकते हैं कि जो वाई क्वांटिटी है फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी ऑफकोर्स. और अगर हम लेट से, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहां मार्किंग्स कर दूं, यहां ऑफकोर्स जीरो आएगा, यहां जो भी आपका ओरिजिन है, यहां लेट से 5 आ जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड, यहां 10 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है ना. यहां आप देख सकते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ टिल द एंड, द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट टू 10 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स दैट द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट इन अ जीरो ग्रेडियंट ग्राफ. और ग्रेडियंट का ओवरऑल मतलब ही ये होता है कि द चेंज इन प्रॉपर्टीज, द चेंज इन क्वांटिटीज, ठीक है ना. सो देयर आर नो चेंज इन क्वांटिटीज, देयरफॉर इट इज अ जीरो ग्रेडियंट ग्राफ. और जीरो ग्रेडियंट ग्राफ है तो ऑब्वियसली जो ग्रेडियंट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इट इज एक्सेलरेशन. सिंस द ग्रेडियंट इज जीरो, तब हमारी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, ठीक है ना. तो ऑफकोर्स अगर हमारे पास वेलोसिटी में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, जैसे आप यहां देख सकते हैं, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड एट द स्टार्ट एंड 10 मीटर पर सेकेंड एट द एंड, देर आर नो फ्लक्चुएशन, यानी कि देर इज नो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, दैट इज वाई द लाइन इज स्ट्रेट एंड फ्लैट. सो ये हमारे पास 3-4 डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यहां लिख लेते हैं. वाई वैल्यू यानी कि वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, एंड थर्डली एक्सेलरेशन इज जीरो, जैसे मैंने यहां मेंशन किया हुआ है. आगे हम आ जाते हैं इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे. इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में मैंने एक छोटी सी गलती की हुई है. एट जीरो इट इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना. यहां आप देख सकते हैं, ओवरऑल वी हैव मेंटेन्ड अ स्टेडी रेट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. आप देख सकते हैं, फ्रॉम जीरो टू 6 सेकेंड द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट एट 15 मीटर पर सेकेंड. अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें, हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज वाई टू माइनस वाई वन चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. अगर हम यहां दो पॉइंट्स ले लें, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, इसकी एक्स वैल्यू है जीरो, वाई वैल्यू है 15, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट दैट द ग्रेडियंट एके द एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्स वन वाई वन. और ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स वैल्यू वाई आई मीन 6 एंड कॉमा 15, एक्स टू एंड वाई टू. सिंपली फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, 0 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 6, बिकॉज अगर आप किसी भी वैल्यू को 6 से डिवाइड, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, इट विल स्टिल बी 0. Therefore, our answer is 0. The gradient is 0. The acceleration is 0. I hope you got it. अगर हमारे पास इसका डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमने इस पूरी जर्नी का डिस्टेंस निकालना हो, आपको क्या लगता है, विल इट बी 0? विल इट हैव अ वैल्यू? आपको इन दोनों में से क्या लगता है? ऑफकोर्स इट विल हैव अ वैल्यू सिंस देयर इज एरिया अंडर द ग्राफ. यहां आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 एंड 6 सेकेंड्स,
आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सिंपली द एरिया अंडर द ग्राफ, जो मैंने शेडेड रीजन किया हुआ है, आप इसका सारा एरिया निकालोगे एंड दैट विल बी द डिस्टेंस, ठीक है ना। इन दिस केस हमारे पास एक शेप बन रही है विच इज अ रेक्टेंगुलर शेप। अगर हम रेक्टेंगल वाला या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते ऑफ मैथ, वी कैन सिंपली गेट द एरिया अंडर द ग्राफ। 15 × 6, दैट विल गिव अस द एरिया विच विल बी लेट्स से 15 300, नो नॉट 300, 75 90 90 meters विल बी द डिस्टेंस सिंपली। अगर हमने निकालना हो फ्रॉम 0 to 4 seconds, तो हम सिंपली एक छोटा रेक्टेंगल बना लेंगे लेंथ इनटू विड्थ, सिंपली अगेन 15 × 4 विल गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 4 seconds विच इज 60 meters। आप इसको किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हमने 0 से 1 पे निकालना हो, 1 से 2 पे निकालना हो, अगर हमने 1 से लेके 5 तक का निकालना हो, हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। एक पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना के हम लेंथ इनटू विड्थ कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। आगे हमारे पास आ जाता है सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन एके कांस्टेंट ग्रेडियंट। अभी हमने सिनेरियो नंबर 1 में ये देखा था कि जब एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो होता है, तब हमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट फ्लैट लाइन, 90 डिग्रीज टू द वाई एक्सिस, वाई वैल्यू यानी कि वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी ना ही इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज कर रही है। एंड सिंस द ग्रेडियंट इज जीरो, दैट मीन्स कि हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट विल ऑल्सो बी जीरो। लाइकवाइज हमारे पास सिनेरियो नंबर 2 यानी कि एक कांस्टेंट ग्रेडियंट ग्राफ के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली दैट इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, सेकेंडली इट इज स्ट्रेट लाइन, अगेन इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। थर्डली हमारे पास एक एक्सेलरेशन की वैल्यू जरूर होगी, आइदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव ग्रेडियंट ग्राफ बनाया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव ग्रेडियंट ग्राफ का ये मतलब है कि जो हमारा ग्रेडियंट है इट इज पॉजिटिव, एंड दैट मीन्स कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि हमारा जो वेलोसिटी है इट इज इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम बाय अ फिक्स्ड एक्सेलरेशन। आगे हम आ जाते हैं टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे पास यहाँ टाइम है 0 से 6 तक, वेलोसिटी है 0 to 30। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं दैट द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी मीन्स कि हमारे पास एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मौजूद है। ये मैं आपको पहले ग्राफ से प्रूव करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली ग्राफ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एवरी यूनिट टाइम यानी कि एवरी सेकेंड हमारी जो वेलोसिटी है इट इज इंक्रीजिंग बाय अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। हर सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय 5 meters per second। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं सेकेंड 1 पे हमारी वेलोसिटी थी 5, सेकेंड 2 पे हमारी वेलोसिटी है 10, 3 पे हमारी वेलोसिटी है 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30। तो आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि हर सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय 5 meters per second। दैट मींस कि हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट वुड बी 5 meters per second square। अगर हमने ग्रेडियंट के फॉर्मूला से ये निकालना हो तो हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बना लिया हमने, इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। पहले ये पॉइंट ले लेते हैं 2, 5, 10 एंड 6, 30। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 − y1, 30 − 10 / x2 − x1, 6 − 2, दैट वुड बी 20 / 4, विच इज 5 meters per second square।
ठीक है ना, सिंस वी कैलकुलेटिंग दी एक्सेलरेशन, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हमने वाली ग्रेडियंट निकालो इट वुड बी 5। ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन है इट वॉज द सेम, लेकिन आपके पास यू नो डिफरेंट ग्राफ्स आ सकते हैं। अगर आपने अपना आंसर जो है आपने कंफर्म करना है और आपको वर्किंग के मार्क्स चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड चीज जो हमने निकालनी है फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज व्हाट, इट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि द डिस्टेंस। ये मैं रिमूव कर देता हूं जल्दी से। अगर हमने 0 से लेके 6 तक का डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इनक्लोज कर देंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे एरिया निकाल सकते हैं, इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, 1/2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एज इजी एज दैट। अगर हमने इस पूरी जर्नी का फ्रॉम 0 से 6 तक का डिस्टेंस निकालना हो, हम ये एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। और इस एरिया को निकालने के लिए हमने ये शेप देखी है, विच इज अ ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इसकी अगर हम वैल्यूज पुट कर दें ऑफ द एरिया तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। बेस है हमारे पास 6, हाइट है हमारे पास 30, सो कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 आ जाएगा, दैट वुड बी 90 मीटर्स फ्रॉम 0 to 6। ठीक है ना, अगर हमने निकालना हो डिस्टेंस, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो फ्रॉम 2 to 6, 2 से लेके 6 तक का अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो, अगेन हम बना लेंगे 2 ट्रायंगल्स। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया, सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर हमने इस वाली जगह का सिर्फ एरिया निकालना है तो हम ये वाली जगह को कैसे एक्सक्लूड करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए हैं। सबसे पहले हम इस बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, विच इज 90 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, हम इस छोटे ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं, अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस विच इज 2 इंटू हाइट विच इज 5, विच विल बेसिकली बी 5 मीटर्स। अब हमारे पास इस छोटे ट्रायंगल का एरिया आ गया, और हमारे पास बड़े ट्रायंगल का एरिया तो पहले से था, तो अगर हमने इस कंपोनेंट का एरिया निकालना हो, एके डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम बड़े ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द स्मॉलर वन, विच विल गिव अस द एरिया फॉर द अदर कंपार्टमेंट। इसके लिए हम एक और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर अदर शेप्स, लेकिन दिस इज द मोर इजियर ऑप्शन, ठीक है ना। तो हमने ये भी कर लिया, अब हम आ जाते हैं अगेन फॉर द स्टीपनेस। मैंने आपको ये काफी दफा समझाया हुआ है दैट द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ टेल्स अस ऑल अबाउट द ग्रेडियंट। इन दिस केस अगर हमारी स्टीपनेस कम है, लेस स्टीपनेस इक्वल्स अ लोअर ग्रेडियंट, मोर स्टीपनेस इक्वल्स अ हायर ग्रेडियंट। इन दिस केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है इट इज एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास एक ग्राफ है विच इज मोर स्टीप, दैट वुड मीन दैट द ग्रेडियंट इज हायर, एंड बाय प्रॉक्सी इट वुड मीन दैट द एक्सेलरेशन इज हायर एज वेल। सो मोर स्टीप ग्राफ इक्वल्स अ हायर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हाई, अनलेस स्टीप ग्राफ इक्वल्स अ लोअर एक्सेलरेशन सिंस द ग्रेडियंट इज लोअर। अब हम सीधा चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 1, लेस ग्रेडियंट इक्वल्स लेस स्टीपनेस इक्वल्स लोअर एक्सेलरेशन। यहां हमारे पास टाइम है फ्रॉम 0 to 6, वेलोसिटी है फ्रॉम 0 to 18। हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, वन ऑफ अ लेस स्टीप ग्राफ एंड द अदर वन ऑफ अ मोर स्टीप ग्राफ। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों की ग्रेडियंट की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे टू विजुअली फाइंड आउट कि ये कैसे हो सकता है। पहले हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ये। द फर्स्ट पॉइंट इज 3.9, द सेकेंड वन इज 6.18, x1 y1 x2 y2।
y टू माइनस वाई वन 18 माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन 6 माइनस 3 दैट वुड बी 9 बाय 3 एंड दैट वुड बी 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन आ गई है ऑफ अ लेस स्टीप ग्राफ। अब हम अगले पे चलते हैं। फॉर अ मोर स्टीप ग्राफ हमारे पास ग्रेडियंट हायर होगा एंड अ हायर एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स। टाइम है अगेन फ्रॉम 0 to 6। फॉर दिस टू वर्क अगर हमने इनको कंपेयर करना है, जस्ट टू मेक श्योर, अगर हमने इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करना है, आपने ये अपने दिमाग में जरूर रखना है कि जो मार्किंग्स है दे शुड बी सेम। अगर मार्किंग्स डिफरेंट है दैट वुड टोटली चेंज द गेम, हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्किंग्स जो है दे आर द सेम, यहां आप देख सकते हैं 0 to 30, 0 to 6, 0 to 30 एंड देन 0 to 6, अगर मार्किंग सेम है दैट मीन्स कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मार्किंग सेम नहीं है वी कैन नॉट कंपेयर देम, ठीक है ना। अगेन निकाल लेते हैं हम इसका ग्रेडियंट 0 to 30। दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। वन इज 6, 30 एंड द अदर वन इज 3, 15। एक्स वाई एक्स वाई y2 minus y1 30 minus 15 divided by x2 minus x1 6 minus 3 that would be 15 divided by 3 5 meters per second square। हम clearly देख सकते हैं जो steep ज्यादा graph है that gives us a higher value for the gradient aka the acceleration। तो आपके अब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जितना steep graph होगा given that the graphs are same, the markings are same, जितना ज्यादा स्टीप ग्राफ होगा उतना ज्यादा उसका ग्रेडियंट होगा, जितना कम स्टीप होगा उतना कम उसका ग्रेडियंट होगा। आगे चलते हैं। सिनेरियो नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एके डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। हमने डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाले ग्राफ काफी दफा पढ़े हुए हैं जिनमें इनिशियली ग्रेडियंट काफी ज्यादा होता है बट एज वी मूव ऑन द ग्रेडियंट डिक्रीजेस। लेकिन हमें ये कैसे पता है कि इनिशियली ग्रेडियंट ज्यादा है इस टाइम पीरियड या इस ड्यूरेशन में ग्रेडियंट ज्यादा है एज अपोज टू इस ड्यूरेशन में ग्रेडियंट कम है। ये हमें इस वजह से पता है क्योंकि इन सिनेरियो नंबर 2 हमने ये पढ़ा था दैट द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ टेल्स अस ऑल अबाउट द ग्रेडियंट। अगर हमारी स्टीपनेस ज्यादा होगी द ग्रेडियंट विल बी हायर, अगर स्टीपनेस कम होगी द ग्रेडियंट विल बी लोअर। That's why, अगर हम एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला ग्राफ देखें हम ये देख सकते हैं दैट इनिशियली द स्टीपनेस इज वेरी हाई बट एज वी मूव ऑन द स्टीपनेस डिक्रीजेस, देयरफॉर वी कॉल इट अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें द ग्रेडियंट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इनिशियली इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ देख रहे हो Initially the acceleration is very high because the steepness is high, लेकिन as we move on the acceleration is very low or you can say it has halted to zero because there is zero steepness। आगे हम ये पढ़ते हैं decreasing gradient graph। Initially acceleration is high because gradient is high, gradually acceleration decreases so steepness decreases। हमारे पास यहां एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। टाइम है हमारे पास फ्रॉम 0 to 6, वेलोसिटी है फ्रॉम 0 to 25। हम देख सकते हैं इन द फर्स्ट सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय 14 मीटर्स पर सेकेंड, इन द सेकेंड सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर्स पर सेकेंड, इन द थर्ड सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स पर सेकेंड, इन द फोर्थ वन 2 meters per second, the difference is 2 meters per second, in the fifth one 0.5 meters per second, in the sixth one again 0.5 meters per second। हम clearly एक trend देख रहे हैं जिसमें the acceleration or you can say the difference between the two velocities are changing each and every second, therefore हम ये conclude कर सकते हैं that the acceleration or the change in velocity is decreasing। हमें इसमें एक ही तरह का question मिल सकता है,
हमें इसमें एरिया वाला क्वेश्चन नहीं मिल सकता, हमने इससे एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि देर इज नो डेफिनेटिव शेप, ये ऐसी कोई शेप होती नहीं है, देयरफॉर हम इससे एरिया नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज जो हम निकाल सकते हैं दैट इज द ग्रेडियंट। इसका ग्रेडियंट आप सोच रहे होंगे कैसे निकालना है, इट इज वेरी सिंपल। आपने लेट्स से उन्होंने हमें बोला हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन एट सेकेंड थ्री एट द थर्ड सेकेंड। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट के ऊपर हम एक और चीज करेंगे, हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है ना, लाइन बना देंगे। दिस इज नॉट परफेक्ट लाइन, लेकिन हमने एक टेंजेंट बना देना है, आपको पता ही होगा मैथ में आपने पढ़ा होगा व्हाट अ टेंजेंट इज, हमने एक टेंजेंट बना लेना है एंड सिंपली एक ट्रायंगल, अगेन एक ट्रायंगल बना लेना है, क्योंकि हर दफा जब भी हमने ग्रेडियंट निकालना होता है हमें एक ट्रायंगल बनाना जरूरी होता है। अच्छा जी, ए दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, बाय नो मीन्स दिस इज परफेक्ट, दिस इज वेरी फार फ्रॉम परफेक्ट, लेकिन अगर आप एक पीस ऑफ पेपर पे करोगे आपके पास इक्विपमेंट होगी लाइक स्केल जिससे आप परफेक्टली इसको बना सकते हो, ठीक है ना। अब हमने एक लाइन भी बना ली, हमने दो पॉइंट्स ले लिए, अब हम इन दो कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 0.6 कॉमा लेट्स से दिस इज 18, ठीक है। द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 5.7 कॉमा 27, ठीक है। एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, वाई टू माइनस वाई वन, 27 माइनस 18 डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन विच इज 5.7 माइनस 0.6, वट एवर द आंसर इज दैट विल बी द ग्रेडियंट, यानी कि द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो सिनेरियो नंबर फोर, सिनेरियो नंबर फोर इज द ऑपोजिट ऑफ सिनेरियो नंबर थ्री, बिकॉज यहां हमारे पास एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ आ जाता है। सिनेरियो नंबर फोर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एके इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास इनिशियली जो ग्रेडियंट है इट इज वेरी लो, बट एज वी मूव ऑन द ग्रेडियंट इंक्रीजेस अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, मैं भी आपको दिखाता हूं, द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ टेल्स अस ऑल अबाउट द ग्रेडियंट। अगर हमारी जो स्टीपनेस है इट इज मोर, इफ द स्टीपनेस इज हाई द ग्रेडियंट विल बी हाई, इफ द स्टीपनेस इज लो द ग्रेडियंट विल बी लो। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि इनिशियली जो स्टीपनेस है इट इज लो, देयरफॉर द ग्रेडियंट इज लो, एंड बाय प्रॉक्सी द एक्सेलरेशन इज लो इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। And as we move on, as time progresses, हम देख सकते हैं that the steepness is increasing, therefore the gradient is increasing, and the gradient of a velocity time graph is acceleration, therefore हम कह सकते हैं that the acceleration is increasing. In an increasing gradient graph, initially acceleration is low, so gradient is low, gradually acceleration increases, so steepness increases. मैंने अभी आपको यह बताया था कि इनिशियली इन अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ हमारी जो स्टीपनेस है इट इज वेरी लो, देयरफॉर हम ये अज्यूम कर सकते हैं दैट द ग्रेडियंट इज लो एंड द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो लो, ग्रेजुअली एक्सेलरेशन इंक्रीजेस सो स्टीपनेस इंक्रीजेस। हम देख सकते हैं एज वी मूव ऑन इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन एन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ The steepness is increasing. Therefore, अब हम ये by the same logic assume कर सकते हैं that the gradient is increasing and the gradient of a velocity time graph is acceleration. That's why हम ये कहते हैं that the acceleration is increasing. ठीक है, अब हम आ जाते हैं to the practical example. हमारे पास यहाँ time है again from 0 to 6, velocity है from 0 to 30. आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल यानी कि इन द फर्स्ट सेकेंड द स्पीड हैज ओनली इंक्रीज बाय 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इन दीज टू टाइम इंटरवल्स द एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द सेकेंड टाइम इंटरवल आप देख सकते हैं दैट द स्पीड हैज इंक्रीज बाय
मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर. इन द थर्ड वन इट हैज इंक्रीज बाय 4 मीटर्स पर सेकेंड. इन द फोर्थ वन इट हैज इंक्रीज बाय आई थिंक 6 मीटर्स पर सेकेंड. इन द फिफ्थ वन इट हैज इंक्रीज बाय 7 मीटर्स पर सेकेंड. इन द सिक्स्थ वन इट हैज इंक्रीज बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड. हम ये ट्रेंड अगेन देख सकते हैं दैट इनिशियली हमारी एक्सेलरेशन जो थी इट इज वेरी लो, बट एज वी मूव ऑन एज टाइम प्रोग्रेसेस द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. ठीक है ना. अगर मैं आपको ये बताऊं दैट इन अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ इन दो टाइम इंटरवल्स के बीच में, इन द फर्स्ट टू टाइम इंटरवल्स आप देख सकते हैं दैट द एक्सेलरेशन इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन द सेकेंड टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, लाइक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दैट यू लाइक गो थ्रू इन योर डेली लाइफ. पहले हम आ जाते हैं व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप एक गाड़ी पे जा रहे हो एंड उस गाड़ी की एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड लेट्स से उस गाड़ी की जो स्पीड है इट इज 127 किलोमीटर एन आवर. तो इन सेकेंड वन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार. हमारे पास अभी जो स्पीड है ऑफ द कार इट इज 127 किलोमीटर एन आवर. आफ्टर 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ द कार इज स्टिल 127 किलोमीटर एन आवर. इन द थर्ड सेकेंड द स्पीड इज द सेम. In the fourth, fifth, sixth, and seventh second, the speed is same for the car. It is 127 kilometers an hour. Therefore, हम कह सकते हैं कि उस गाड़ी की कोई acceleration है ही नहीं. That car has a constant velocity. Therefore, it is known as a zero acceleration graph. ठीक है. अब हम चलते हैं. When an object has a constant acceleration. कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाली गाड़ी के पास, लेट्स से आप चढ़ने वाले हो ऑन अ हाईवे, आप चढ़ने वाले हो ऑन मोटरवे. आप अभी हो एट अ टोल प्लाजा वेयर यू आर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एन आवर. ठीक है ना. अब आप चढ़ते हो ऑन द मोटरवे और आपने अपनी एक्सेलरेशन रखी है एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आप हर सेकेंड के बाद अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हो बाय 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. शुरू में आपकी स्पीड है 20, 1 सेकेंड बाद आपकी स्पीड हो जाती है 30, 2 सेकेंड बाद आपकी स्पीड हो जाती है 40, एंड देन 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. ठीक है. एंड देन यू स्टॉप. ठीक है. दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें आप हर सेकेंड में, हर टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि हर सेकेंड के बीच में आपकी एक्सेलरेशन जो है इट इज सेम. दैट इज व्हाई इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, या कह सकते हो कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट ग्राफ. ठीक है. अब हम चलते हैं टू द डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. नहीं, इससे पहले हम ये दोनों भी कर लेते हैं. इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है कि लेट्स से आप फिर से मोटरवे पे चढ़े हो, योर स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. लेकिन इस दफा आप थोड़े से लेजी हो, आपके पास इतनी मोटिवेशन नहीं है, तो आप जो अपनी एक्सेलरेशन है उसको लो रखते हो. ठीक है ना. आपने अपनी एक्सेलरेशन रख ली लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर केस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपकी पहले एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस दफा आप थोड़े से लेजी हो, आपकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देयरफॉर आप अपनी जो स्पीड है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज तो कर रहे हो, लेकिन कम इंक्रीज कर रहे हो इन ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल. लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हो इन दिस केस लेट्स से आपकी जो एक्सेलरेशन है इट इज नाउ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब आप अपनी जो वेलोसिटी है यू विल इंक्रीज इट बाय अ वेरी यू नो फास्ट पेस. ठीक है. So that's the major difference between a low gradient graph and a high gradient graph, like less steepness and high steepness. अब हम आ जाते हैं when an object has decreasing acceleration.
अब आप सोचो, आप चढ़े हो ऑन अ हाईवे, ठीक है ना, आपने अपनी स्पीड इनिशियली बहुत तेजी से इंक्रीज की है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप इनिशियली अपनी स्पीड बहुत तेजी से इंक्रीज करते हो, लेकिन एज वी मूव ऑन, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, लेट्स से आपने शुरू किया है एट 10 मीटर्स पर सेकेंड, आप गए हो 30 पे इन द फर्स्ट सेकेंड, फिर 50 पे इन द सेकेंड, 60 पे इन द थर्ड, 70 पे, फिर 80 पे, फिर आप 85 पे गए हो, फिर आप 90 पे गए हो, फिर 92 पे गए हो, फिर 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पे चले गए हो। आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे आपका टाइम प्रोग्रेस करे, आपने शुरू शुरू में 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर की एक्सेलरेशन की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी एक्सेलरेशन कम कर दी है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट यूजुअली हैपेंस ऑन अ मोटरवे। आप शुरू शुरू में अपनी एक्सेलरेशन हाई रखते हो ताकि आपकी गाड़ी एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाए, एंड उस सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने से पहले आप अपनी एक्सेलरेशन काफी कम कर लेते हो, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं When an object has an increasing acceleration. अब आप सोचो, आप एक हाईवे पे चढ़े हो, आप शुरू शुरू में बहुत लेजी फील कर रहे हो, तो आपने अपनी जो एक्सेलरेशन है वो कम रखी है। शुरू शुरू में आपकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आप अपनी एक्सेलरेशन ऐसे ही इंक्रीज किए जा रहे हो, एंड इवेंचुअली आप एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में पहुंच गए हो, विच इज वेरी हाई। दैट इज वॉट इज हैपनिंग इन एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ। इट इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ में आपकी शुरू में जो एक्सेलरेशन है इट इज वेरी हाई, लेकिन ग्रेजुअली आपकी एक्सेलरेशन लो होती जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन अ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ, आपकी इनिशियली एक्सेलरेशन बहुत कम होती है, लेकिन एज वी मूव ऑन द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, ठीक है ना। लेकिन आई हैव टू मेक दिस क्लियर, इन नो केस इन द थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल हमारी जो एक्सेलरेशन है इट हैज अ वैल्यू, इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आपकी गाड़ी जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, इट इज डीसेलरेटिंग, बिकॉज डीसेलरेशन मीन्स वी हैव टू हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, बिटवीन ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू है ऑफ द एक्सेलरेशन। जैसे आप ये देखो, इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल फ्रॉम सेकेंड 0 to सेकेंड 1 आपके पास है एक्सेलरेशन प्लस 14 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इन द सेकेंड सेकेंड मतलब सेकेंड टाइम इंटरवल आपके पास है एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इन द थर्ड वन यू हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इन ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल आपके पास एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। देयरफोर हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक डिसेलरेशन अकर हो रही है। That would be completely wrong. Up until the last one, हम देख सकते हैं, even in the last time interval, we have an acceleration which is 0.5 meters per second square. So अगर आप ये बोलोगे that the car is decelerating, that would be wrong. आप कह सकते हो कि initially हमारी जो acceleration थी, it was very high, लेकिन gradually हमारी acceleration decrease हो रही है. Decreasing acceleration does not mean deceleration. Negative acceleration means deceleration. अगर आपकी velocity let's say एक point पे 14 meters per second है और दूसरे point पे let's say हमारी velocity है at second one 14 meters per second, at second two हमारी velocity decrease हो जाती है to 7 meters per second, तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो object है, it is decelerating, because हम clearly देख सकते हैं that the velocity is decreasing, therefore it is a negative acceleration, ठीक है? So I hope that is out of the way. Before ending this video, मैंने कहा deceleration के graphs को भी थोड़ा सा touch कर लेते हैं. क्योंकि ओकेजनली इसके भी सवालात आ सकते हैं. स्क्रीन पे हमारे पास एक velocity time graph है. The starting velocity is 50 meters per second. एंड दी एंडिंग वेलोसिटी इज नेगेटिव 50. अभी तक हमने ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं जिसमें हम नेगेटिव वेलोसिटी में गए हों. ये जो मैंने सारा ग्राफ बनाया, इट इज बेस्ड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, या आप कह सकते हो अ बॉल. इस बॉल को मैंने विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड, इस पॉइंट पे इस बॉल की स्पीड है 50 मीटर्स पर सेकेंड,
और आप इसको कह सकते हो इट इज द इनिशियल स्पीड। मैंने इनिशियल स्पीड 50 मीटर्स पर सेकंड से इस बॉल को फेंका है, एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल जो बॉल है उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हुई जा रही है। लेट्स से एट दिस पॉइंट इट इज 40, नाउ 35, नाउ 20, देन 25, देन 10, एंड देन एट दिस पॉइंट एट द पीक पॉइंट इट इज 0 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप जाते हो, लेट्स से आप एक पार्क में गए हो और आपने अपनी एक बॉल है उसको फेंका है एज हाई एज यू कैन, एक सर्टेन पॉइंट आएगा, इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट, जिस पॉइंट से बॉल वापस आना शुरू करेगी, राइट? एंड एट दैट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, बॉल फॉर अ स्प्लिट सेकेंड इज स्टैगनेंट, इट इज स्टेशनरी, राइट? इट इज नॉट मूविंग, ठीक है? एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द स्पीड इज 0 मीटर्स पर सेकेंड। आफ्टर दिस पॉइंट जो बॉल है इट इज गोना कम बैक, एंड जो बॉल है इट विल स्टार्ट टू एक्सेलरेट, ठीक है ना? क्योंकि देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अब बॉल होगी एक्सेलरेट अंटिल इट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है ना? ये जो सारा ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, इट इज बेस्ड अपॉन दैट। शुरू शुरू में हमारे पास एक पॉइंट था एट विच आई थ्रू द बॉल एट अ स्पीड ऑफ, या कह लो वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता एट अ रेट ऑफ 9.8, या कह लो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर, जो बॉल है इट डिसेलरेट्स अंटिल इट गेट्स टू दिस पॉइंट। आफ्टर इट गेट्स टू दिस पॉइंट जो बॉल है वो अब वापस नीचे जाना शुरू हुई है, ठीक है ना? इट इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको के अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, दैट कैन प्ले आउट इन योर ओन वर्ड्स, मतलब आप अपने वर्ड्स में या एग्जामिनर के वर्ड्स में ये लिख सकते हो कि द बॉल इज इनिशियली डिसेलरेटिंग एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, आफ्टर इट रीचेस 0 मीटर्स पर सेकेंड, इट इज नाउ एक्सेलरेटिंग, ठीक है ना? बिकॉज आपका जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा उसी लिहाज से आपने उसको आंसर करना है। डू नॉट वरी इफ यू डू नॉट गेट दिस राइट नाउ। मैंने इसके आगे जाके इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस इन वेरी ग्रेट डेप्थ। इसके तो इसके रिलेटिंग थोड़े से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। अगर आप एक और चीज देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। अगर आप देखो इस बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज जीरो। अगर आप देखो इट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल इज एक्चुअली जीरो। अगर हम ये एरिया निकालें, इट वुड बी 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इज 5, हाइट इज 50, दैट विल बी 25, एंड द आंसर इज आई थिंक 125, ठीक है ना? अगर आप नीचे वाले का एरिया निकालो इट विल बी -125। अगर 125 -125 करें दैट विल गिव अस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 मीटर्स, क्योंकि हमारी बॉल जहां से आ रही है, मतलब जहां से जा रही है अप टू द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन वापस आ रही है टू द लोएस्ट पॉइंट, इट इज कमिंग एट द सेम पॉइंट। वर्टिकली हम देखें, वर्टिकली बॉल ने कोई हाइट नहीं गेन की ना ही लूज की है, ठीक है ना? सो या दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आया, राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो विच विल बी बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर्स, जो मैंने आपको सारे चार टाइप्स करवाई हैं, इन पे जो मेनली क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम करेंगे, और जो नेगेटिव वेलोसिटी है, कह लो डिसेलरेशन है, उस पे भी हम करेंगे क्वेश्चंस। सो यार डू नॉट वरी, ये मैं आपको क्लैरिफाई और सोलिडिफाई करवा दूंगा दोनों चीजें, अगर आपको कोई अभी मसला है। यार दैट इज गोना बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू हैड अ नाइस डे, लाइक होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।